ये झोपड़ियाँ बनी हुई है, ये देखो चारे की झोपड़ियाँ, चारे घास की। हेलो गाइस, अभी हम आए हुए हैं बीकानेर और अब हम जा रहे चौथी लोकेशन पर, कैमल रिसर्च सेंटर। वहाँ जाके देखते हैं कैमल राइड करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो वहाँ जाके ही देखेंगे। अभी चल रहे हैं वहाँ पे रिसर्च सेंटर, तो चलो चलते हैं। भारत का एकमात्र ही कैमल रिसर्च सेंटर है जो जो कि बीकानेर में है, वहीं जा रहे हैं अभी हम। गर्मी बहुत पड़ रही थी जिस वजह से हमने गन्ना रस पिया। चलो भाई साहब, कैमल रिसर्च सेंटर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। अच्छा। अंदर गाइस ऊंट बने हुए हैं, वो देखो, आई लव ऊंट, आई लव कैमल। तो अंदर आ चुके हैं और 50 रुपया टिकट था अंदर आने का। अगर आपको कैमल राइड करनी है तो उसका टिकट अलग से लेना पड़ेगा, 100 रुपये उसके लगेंगे। दिन में कैमल राइड नहीं होती है, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कैमल राइड होती है। हम थोड़ा जल्दी आ गए तो कैमल राइड नहीं कर पाएंगे। अभी इधर देखने को इतना कुछ खास नहीं है, बाकी हर साल जनवरी में यहाँ पे ऊँट महोत्सव मनाया जाता है, जिसको देखने बाहर से भी पर्यटक आते हैं। यहाँ ऊँट पालने की सदियों पुरानी परम्परा है। अभी सब ऊँट इसके अंदर बंद है, 5:30 बजे ही सबको बाहर निकलेंगे। अभी सबको इधर खाकला डाल रखा है, खा रहे हैं। कैमल राइड हम नहीं करेंगे क्योंकि कैमल राइड बहुत लेट होगी और 7:30 बजे की मेरी बस है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा, इसलिए हम राइड नहीं कर रहे हैं। इस रेत में कैमल राइड कराई जाती है। इधर चारा, इधर आगे ये झोपड़ियाँ बनी हुई है, ये देखो चारे की झोपड़ियाँ, चारे घास की। तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जिसे आप विज़िट कर सकते हो। इसका कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है, 50 रुपये में ही आप ये विज़िट कर सकते हो, जिसमें सब राइड के बारे में बताया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा कैमल राइड है, इसे भी आप देख सकते हो।
राजस्थान की शान। तो गाइस कैमल रिसर्च सेंटर भी हमने देख लिया है। बस तो यहीं पर हमारी बीकानेर की ट्रिप ख़त्म होती है और अब मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई ट्रिप के साथ।